मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आचार्य रजनीश ओशो के छोटे भाई डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती ने साधु संतों पर विवादित टिप्पणी की थी। शैलेंद्र सरस्वती ने जीना इसी का नाम है के नाम से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया था। उन्होंने देश के साधु संतों को पाखंडी बोल दिया था। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शैलेंद्र सरस्वती ने इसी बयान से बवाल मच गया था। साधु संतों और शहर के लोगों ने शैलेंद्र सरस्वती के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया था। शहर के डॉक्टर सूर्यकांत आनंद दीक्षित ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद अब शैलेंद्र सरस्वती ने माफी मांग ली है। शहर के साधु संतों ने भी इस विवादित बयान का विरोध किया था। साधु संतों ने एसपी के बंगले पर पहुंचकर विरोध किया था। मेरा नाम स्वामी शैलेंद्र सरस्वती है और कल पत्रकार वार्ता में एक विशेष ढंग से क्वेश्चन पूछा गया था। साधु सन्यासियों के बारे में सवाल किया गया था। जैसे कि दुनिया में हर क्षेत्र में हर वर्ग में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मान लीजिए मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और कोई डॉक्टरों के बारे में पूछे तो कहना होगा कि कुछ अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे इंसान, और कुछ खराब लोग भी होते हैं, जनता को एक्सप्लॉइट करते हैं, मरीज का शोषण करते हैं। दोनों ही बातें लागू होती हैं, पर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट का जनरलाइजेशन तो नहीं कर सकते, वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। उसी संदर्भ में मैंने कहा था कुछ साधु सन्यासी पाखंडी होते हैं, इसका जनरलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ है, किसी के हृदय की भावना को चोट लगी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।